तो हेलो गाइस, व्हाट इज अप। मैं तेजस मोरे आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल ट्रैवल फूडी टिकू पर। तो कशस से खाता है ना तो खाएलस पाजे। तो आज हमारी सवारी पहुँच चुकी है फिर से बाबा से डोसा में। एक्चुअली फर्स्ट वीडियो हमारा जो हो गया था, अब ये सेकंड वीडियो है। तो हमारे फर्स्ट वीडियो में हमने पिज़्ज़ा डोसा ट्राई किया था। तो ये पिज़्ज़ा डोसा का छोटा रिकैप आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पर। तो ये अभी सेकेंड वीडियो होगा। तो आपने अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो ऊपर मैं एक छोटा बार दे दूँगा, तो आपको यहाँ वहाँ पर दिख जाएगा हमारा फर्स्ट वीडियो। और सबका थैंक यू एकदम मस्त रिस्पांस देने के लिए फॉर फर्स्ट वीडियो। और हमारे अभी ट्रैवल वीडियो आने वाले है, एक जगह एक डेस्टिनेशन है अपने इंडिया का विद टू इंडिपेंडेंस डे, मतलब वो स्टेट टू इंडिपेंडेंस जो सेलिब्रेट करता है। तो वहाँ मैं ट्रैवल करने वाला हूँ दिस मंथ एंड सॉरी। तो ठीक है, चलिए वीडियो पूरा देख लीजिए तब तक। तो अभी पूरा बटर डाल दिया है और बटर के ऊपर मस्त एकदम स्पाइसेस वगैरह। और अभी हमारा ग्रीन गैलरी डोसा बन रहा है। ये देखो सब शॉवर कैप मास्क सब प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं यहाँ पे। तो अपना जो ग्रीन गैलरी के लिए मैंने देखा कि पहले एक ग्रेवी टाइप बनाया जा रहा है और बाद में डोसा जाता है। तो पहले अभी ग्रेवी प्रिपेयर हो रही है और बाद में डोसा। तो ग्रेवी में सब स्पाइसेस वगैरह और ग्रीन गैलरी है तो मोस्टली इसमें सब ग्रीन वेजिटेबल्स ही होंगे। ये पालक प्यूर है, और अगर अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं करें तो वीडियो को लाइक करें, एकदम ग्रीन वीडियो है। और ये अपनी चीज़ की बारिश जो हर वीडियो में होती है। ये तो चीज़ जिसमें नहीं है ना, तो मुझे तो लगता है कि वो वीडियो मुश्किल है कि लोगों को पसंद आए। तो ये तो वीडियो आपको पसंद आना ही है, तो कमेंट करके बताइए आपको कौन सा डोसा पसंद है। ये अभी ग्रीन गैलरी डोसे के लिए कुछ प्रिपरेशन चालू है। और ये बटर लगाने की टेक्निक देखो यार, इतना बटर कौन लगा था आज के ज़माने में, इतना महंगा बटर वो भी। ये अपनी ग्रेवी ग्रीन गैलरी डोसे की, ये मस्त पूरा बारीक 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 कर दिया है। और ये अपने जो डोसा कुछ तो पार्ट है, तो उसके लिए प्रिपरेशन में उस पर आलू की सब्ज़ी। तो इतनी ग्रेवी तो मुझे लग रहा है कि दो लोगों के लिए काफ़ी होगी। ये देखो ये मस्त आइटम है, छोटे छोटे पीसेज। ये अभी डोसे के पीसे ग्रेवी के अंदर जाएंगे ऐसे। फिर से बटर, अभी अपना मेन पार्ट है अपने डोसे के लिए डोसा बनने वाले। ओके, ये तड़का है एक्चुअली अपना जो ग्रेवी बने ग्रीन गैलरी का। ये देखिए क्या मस्त दिख रहा है। इसके फोटोज़ को अगर आपको देखना है तो आप प्लीज़ हमारे इंस्टा हैंडल को फॉलो करिए ट्रैवल फूडी टिकू। मैं बाजू में उसका फोटो दे दूँगा, आप वो फोटो देख लेना। यहाँ पे हमारा सेकंड डोसा बना जा रहा है। तो ये से मुखवास डोसा है। तो ये मुखवास डोसा पूरा स्वीट डोसा है, क्योंकि हमारे फर्स्ट वीडियो में हम लोग को एक डोसा तीखा लगा था, तो वहाँ पे उन्होंने हमें एक पीस दिया था टेस्ट करने के लिए। एकदम भारी डोसा है। अगर आपको संक्रांत पता रहेगा तो संक्रांत में तिल के लड्डू जो खाते हैं वो तिल के लड्डू के टाइप के। तो देखिए आपने डोसा रेडी पूरा मस्त। और ये अभी हमारा चॉकलेट डोसा है यार, जो चॉकलेट लवर है यार प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। ओहो, इतना चॉकलेट एकदम खतरनाक, आपको अगर क्रेविंग जारी रहेगा तो यार। और ये इन लोग की स्किल्स देखो यार, कड़ा एकदम प्रोफेशनल प्रॉपर यहाँ पे कुक है, शेफ बोल सकते हो आपको जो चाहिए। और यार पूरा चॉकलेट में सच बोल रहे हैं, इतना भारी फ्रेगरेंस आ रहा था ना। कटिंग करने की टेक्निक देखो एकदम प्रॉपर परफेक्ट, कोई झगड़ा नहीं, सबको सेम मिलेगा। ये सबको पाकिस्तान के प्लेयर्स को सबको बैटिंग मिलती है क्रिकेट में, ये सबको सेम साइज मिलेगा। और ये कोकोनट, हाँ जो कोकोनट्स हैं ना उनको ये डोसा तो एकदम बेस्ट, कोकन गोवन जो सी कोस्ट वाले सब उन लोगों को, क्योंकि कोकोनट का यार अब देखते जाओ वीडियो पूरा यार। ऐसे और एक डोसा आने वाला है और वो एकदम स्पेशल है, क्योंकि वो लोग ने खुद से रिकमेंड किया था शेफ लोगों ने। और अब बटर देखिए यार, इतना स्पेशल डोसा तो इतना बटर, लगभग आधी स्लाइस तो इसमें गए, देखो कम पड़ा है। चलो और डाल दो,
मतलब बटर ही बटर ही बटर, और ये सब वेजेस जा रहे हैं, ऑनियन और एक है कैबेज, एक कैरेट, क्या अभी इतना मतलब पूरा ये रंगीन डोसा बनने वाला है ये तो। ये देखो और चीज 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 की बारिश, इधर इधर इतना चीज है ना ये लोग के पास, चीज और बटर कि मतलब सब डोसे में डालते ही जा रहा है ये सब सॉसेस। स्पेशल डोसा तो कुछ स्पेशल तो होगा ही इसमें, सब इतने स्पेशल चीजें जा रहे हैं। ये देखो पूरा स्मैश। अगर चैनल का अभी तक, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो। तो मुझे लग रहा है शायद प्लेटिंग देगा साइड में, साइड से प्लेट में सब ओके। ये पूरा डोसे पे ही मतलब लगा के दे रहे हैं। इसका टेस्ट ना यार सच में भारी होगा क्योंकि ये स्पेशल है एक तो। और कलर देखिए यार, यार क्या चुम्मा कलर आ रहा है पूरा, मतलब ऊपर से मत ओ फिर से चीज़ की बारिश। ये लो 100 ग्राम चीज़ तो इधर ही हो गया अपना। चीज़ की बारिश, चीज़ की बारिश, मुझे दोस्त लोग बोलते हैं अरे इतनी चीज़ की बारिश। ओह कड़क 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 एकदम भाई। और एक स्लाइस, ये एक ख़त्म हो गया कि नहीं दूसरा आ गया। पर बटर भी एक खत्म हो गया, जैसे दूसरा ला दिया, अभी ये खत्म हो गया फिर दूसरा स्लाइस। मस्त मस्त, मैं सच में बोल रहा हूँ यार इतना चीज़ कोई दे रहा, अगर ये शायद 220 या 200 रुपीस का ही होगा एकदम। और ये कटिंग स्टाइल इन लोग का एकदम खतरनाक। अब कटिंग की टेक्निक देखिए, एकदम प्रॉपर कट होता है, ना कम ना ज़्यादा, एकदम कड़क कड़क। ये देखिए, और जो हमारे फर्स्ट वीडियो में था उसमें पिज़्ज़ा डोसा जो था ना एकदम मेरा फेवरेट था। अब अगर वीडियो देखा देखा नहीं रहेगा आपने तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, तो प्लीज़ वो वीडियो भी देख लेना। ये तो पार्ट टू है। और ये प्लेसिंग देखिए एकदम प्रॉपर प्लेसिंग, और जो दूसरे भाई है उन्होंने कैंडल का कुछ तो इंतज़ाम किया था, तो वो देखिए एकदम मन लगे काम करते, नहीं कि सिर्फ बोला है ऑर्डर तो बना के देने का, ऐसा कुछ नहीं है। वो देखिए फिर से चीज़ की बारिश, और ये कैरेट, फिर बीट रूट, सब सब जाएगा सब जाएगा। ऐसा वसूल डोसा शायद से 220 रुपीज़ का। ये देखा अपना डोसा रेडी। तो अभी हम फूड टेस्टिंग के लिए मिलते हैं, चलो फिर। सेकंड राउंड चालू हो रहा है, तो सेकंड राउंड में हमारे ये सब चार डिश आ गए हैं। तो ये शेफ रिकमेंडेड है, जो है स्पेशल बाबा साई डोसा, मतलब यहाँ का रेस्टोरेंट का, इसकी प्राइस 200 रुपीज़। तो जैसे हम मेकिंग का देखा ही रहेगा, तो ये देखिए जस्ट अभी बन के है। ये देखिए पूरा क्रिस्पी थीन लेयर, पूरा मसाला मार के ये ट्राई कर दे, पेट पहले ही भर गया है। अभी देखते हैं, पूरा भरा भरा लग रहा है फिश, तो मतलब पूरा मुँह में घुल मिल जा रहा है। बाकी वेजिटेबल मतलब क्या मतलब बीट डाला है, गाजर डाला है, काफ़ी हेल्दी डोसा ये। मतलब देख सकते मतलब इतना पोर्शन 200 रुपीज़ तो लिए, पर फोर एक्चुअली सिक्स है, ये दो भी है और ये चार, तो पूरा हेल्दी। तो ये रिकमेंडेड है ये डिश भी, और ये मुझसे सेकंड पार्टी रहेगा। तो फर्स्ट पार्ट अगर नहीं देखा तो लिंक दे रहा हूँ, तो वहाँ पे आप क्लिक करिए। तो अभी हमारे अगले डोसे की तरफ बढ़ते हैं, जो है ग्रीन गैलरी। देख सकते हैं ग्रीन गैलरी में, पहले तो एक मिनट रुको, ये ग्रीन और ये गैलरी उसकी। तो इसमें आप देख सकते हैं पूरा लेयर, देखो ये पूरा बटर है, बटर मतलब ऑयल नहीं है ज़रा सा भी। ये इधर बटर, इधर भी बटर, सब बटर है। ऊपर तड़का है और इसके अंदर है ना डोसा के छोटे पीसेस है। ये देखिए ये डोसा के छोटे पीसेस है, और इसके ऊपर एक और एक मतलब क्रिस्पी पूरा डोसा। ये देखिए पूरा पापड़ जैसे क्रिस्पी पूरा, और ये और पालक जिसको पसंद नहीं यहाँ पे है, मुझे तो लगता है कि अच्छा ही लगेगा। ऐसा लग रहा है मतलब पालक पनीर खा रहा हो, और उसके अंदर बीच में जो पनीर का पीसेस भी है, जैसे डोसा का जो पट्टी है ना वो पनीर की तरह लग रहा है, तो एकदम मस्त लग रहा है। और अगर ज़रा तीखा लगता है तोड़ो, तो हमारा मेन कोर्स तो हो गया। तो अभी डेजर्ट की तरफ बढ़ते हैं, अपने डोसा में कभी डेजर्ट ट्राई नहीं किया होगा। तो ये दोनों डेजर्ट है, ये चॉकलेट डोसा और ये मुखवा डोसा। तो हम लोग डेजर्ट खा रहे हैं, तो डेजर्ट में इसमें देखो चॉकलेट का सिरप और कोकोनट है, तो ट्राई करते हैं इसमें पूरा मस्त।
सुगंध है इसमें, कोकोनट का आ रहा है, चॉकलेट का, मतलब बहुत बड़ा बहुत एसेंस आ रहा है। ट्राई करते हैं। तो डोसा तो एकदम बहुत क्रिस्पी है, आपको आवाज आया रहेगा कितना क्रिस्पी है, बन के अभी 10 मिनट के ऊपर हो गए। और जो डोसा का जो लेयर में चॉकलेट है और कोकोनट, तो कोकोनट का भी अलग जगह है और उसका चॉकलेट का भी अलग जगह है, तो दोनों के बस मिक्स होकर अलग ही टेस्ट कर रहे थे। चॉकलेट आता था पहले, मतलब मेरे बचपन में, तो सेम वैसे टेस्ट कर रहे हैं। तो ये चॉकलेट डोसा की जो प्राइस है वो है 70 रुपीज़, और 70 रुपीज़ में तो इतना बड़ा, इतना बड़ा डोसा। और मुझे लगे फैमिली के तो आ रहे हो, बस डेजर्ट खाना है तो ये खाओ, स्वीट चीज पूरा, मतलब कीवी नहीं है ज़रा सा भी, रिकमेंडेड। एक्चुअली सब भी रिकमेंडेड है, न्यू शॉप है फिर भी इतने अच्छे टेस्ट है। तो इसके बाद हम लोग जा रहे हैं जो है इसका, ये मुक्वा डोसा, टी डोसा भी बोल सकते हैं ना, पेपर ये, तो ये मुक्वास पेपर डोसा जो कि तिल गुड़, मतलब टाइप इसे पूरा गुड़ लगे और अपने ऊपर तिल जो इसमें सीड होते हैं वो, तो ये ट्राई करते हैं। ऐसा लग रहा है कि जो संक्रांत में लाडू करते हैं ना तिल के, उससे सिमिलर टेस्ट है। डोसा का क्रंचीनेस तो है पर ऊपर जो पूरा लेयर है ना गुड़ का, बटर, तिल, वो सब मिक्स होकर अपना जो लाडू रहते हैं वैसे लग रहा है। जो संक्रांत में महाराष्ट्र में सेलिब्रेट होते हैं वहाँ पे लाडू रहते हैं, तो ये भी मस्त है। अपने सब अगर मस्त ही थे वैसे तो आपको इसमें कौन से डोसा अच्छे लगे वो प्लीज़ बताइए। हमने अभी तक 8 डोसा शायद से बताए रहेंगे, तो 8 डोसा में आपको कौन सा अच्छा लगा। और अगर आप यहाँ पे आते हैं तो इंस्टा हैंडल पे अगर फोटो डाल रहे हो तो हमें टैग करिए, द पूरी टीम चैनल का नाम है यहाँ पे, या यहाँ पे मैं फोटो लगा दूंगा मेरे इंस्टा हैंडल का। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो पहले वीडियो को और ये वीडियो को दोनों को लाइक करिए। और क्या, बस यहाँ पे आइए और खाइए। तो लव फूड और रेड फूड, बट डोंट वेस्ट फूड। चलिए, बाय।